हेलो 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 सो मैं अभी जस्ट उठा, जस्ट नहीं, 1 घंटे पहले 9 बजे उठा. मैं जनरली 9 बजे उठता नहीं हूँ, बट आज उठ गया क्योंकि एक बहुत ही अजीब सपना आया मेरे को. अगर आप लोग ने नहीं देखा है, नेटफ्लिक्स में एक शो आया है जिसका नाम है हेल बाउंड, और वो ट्रेंडिंग में भी चल रहा है. सो एक दो हफ्ते पहले मैंने देख लिया था, बट पता नहीं क्यों वो होता है ना, जो सवेरे सवेरे एक हल्का सा छोटा सपना आता है, मींस, और वो ज्यादा दिमाग में इम्पैक्ट भी करता है. तो उस सपने मैंने देखा कि वो तीन मॉन्स्टर्स जो थे जो शो में, जो वो सोल खींच लेते हैं एंड पीटते हैं, तो वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं. मैं भाग रहा हूँ इधर उधर. एकदम अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था. एकदम नहीं. बाय द वे, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही कुछ रैंडम ब्लॉग्स बनाऊँ मैं. बाय द वे, माय होल शेल्फ, दिस इज वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड पोस्टर, ये मेरा जिम बैग है, या ओवरऑल रूम टूर हो गया. सो ऐसे ही मैं रैंडम ब्लॉग्स डालूँ डोरेमोन. ओरिजिनल नहीं है, मेला वाला है, बट जो भी है यार, फील आ जाता है. आपको क्या लगता है, आप देख, आपको अच्छा लगेगा ऐसे रैंडम ब्लॉग्स एंड ऑल, तो जरूर कमेंट कीजिएगा. आई वुड लव टू, क्योंकि बहुत जन बोल रहे थे कि यार वीडियो डालो, कुछ नहीं डाल रहे हो, और मैं बहुत दिन से मैंने कोई मांगा वगैरह नहीं खरीदा है. आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने कुछ नहीं खरीदा है, खरीदा है बट मांगा नहीं खरीदा है. कुछ बुक्स मैंने लिए है, लेट मी शो यू गाइस, कुछ बुक्स मैंने लिए है बाय द वे, डेफिनेटली. जैसे जैसे द गॉड फादर, अभी मैं आई गेस पेज नंबर 40 में हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में. एंड और भी कुछ रैंडम बुक्स लिए है, जैसे मेनली जब जब भी मैं कोई बुक फेयर में जाता हूँ, तो मेरा टारगेट हमेशा क्या होता है पता है, कुछ ओल्ड बुक स्टॉल्स होते हैं, राइट, जहाँ पे कुछ कभी कभी बहुत रेयर बुक्स मिल जाते हैं. एंड मेरा टारगेट हमेशा वही होता है कि वो रैंडम, मतलब सस्ते में मिल जाए कुछ रेयर. क्योंकि मेरे को याद है एक बार मेरे को वो, मैंने अपने हॉल में दिखाया था कि एक बेबलेड, जो फर्स्ट जनरेशन का बेबलेट था, उसका एक गाइड ब्लू प्लस मांगा अटैच्ड मुझे एक ओल्ड बुक स्टॉल में मिल गया था, वो भी बस 100 रुपये में. सो मैंने जैसे कि मैंने द गॉड फादर लिया है, एंड देन आई बॉट दिस इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक बायोग्राफी, या नॉट द यूजुअल मी, बट थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ने जा रहा हूँ. देन आई गॉट दिस टू, मैंने कभी जिंदगी में कभी एस्ट्रिक्स नहीं पढ़ा है. आई लव टिनटिन, मैंने टिनटिन पढ़ा है, मेरे पास टिनटिन का अच्छा कलेक्शन है. बट मैंने सोचा यार, मैंने देखा वहाँ पे कि एस्ट्रिक्स के कुछ ओल्ड स्टॉक्स हैं उन लोग के पास, तो मैंने सोचा यार दिस विल बी अ ग्रेट स्टार्ट. और वैसे में भी अगर आप इंग्लिश वाले एस्ट्रिक्स को लेने जाओ एज अ इन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल प्राइस अगर देखो, इट्स अराउंड 500 आई गेस, या 500 रुपीज़. और अगर अब रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि इंडिया में एक आनंद पब्लिशर है जिनका जो टिनटिन एंड एस्ट्रिक्स को बंगाली में भी पब्लिश करते हैं, तो वो अगर लेने जाओ देन इट्स 250 रुपीज़, और 200 थोड़ा मोटा रहता है तो 250 हो जाता है. सो मैंने एस्ट्रिक्स को सोचा कि इंग्लिश में मिल रहा है, अच्छा है, सस्ता है, 200 में हो जाएगा. सो ये रहा एक, आपको समझ आ रहा हो कि बाइंडिंग भी है एंड या देखिए एंड और एक, तो एस्ट्रिक्स एंड द लॉरेल वेल्थ, शायद मैंने गलत पढ़ लिया. तीनों पापा तो का नंदन का सिराने का यो. बाय द वे,
मैं अभी करेंटली एक एनिमे देख रहा हूँ, और मैंने बताया भी था शायद, अगर आप मेरे ट्विटर में हो तो आपको पता है, मैं थोड़ा मतलब कभी कभी मैं बहुत लो फील करता हूँ, कभी कभी बहुत ही लो। तो मैंने सोचा यार, एक लो फील करते हुए इंसान को क्या चाहिए होगा, एक रेट्रो एनिमे। सही बताऊँ मतलब एनिमे तो मैं देखता हूँ नो डाउट, बट जो रेट्रो एनिमेस होते हैं जैसे यो यो हाकुशो या फिर जो भी 90s के काउबॉय बीबॉप, मतलब उनका जो फील है ना, मतलब देख के ना बहुत सुकून मिलता है यार, मतलब कमाल ही लगता है, कमाल, बहुत अच्छा लगता है वो देख के। सो मैं अभी करंटली देख रहा हूँ एक एनिमे जिसका नाम है GTO, नेटफ्लिक्स में है, ग्रेट टीचर ओनिज़ुका। भाई साहब क्या कॉमेडी यार, क्या उसका मांगा भी है, आई नो उनका उसका मांगा भी है, बट मैं देख रहा हूँ वो शो एंड सो फनी, एंड हर एक एपिसोड में एक अलग मैसेज है, अलग पॉजिटिव मैसेज है, मतलब इट इज ग्रेट, रियली ग्रेट। मतलब एक तो पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर रही है, ऊपर से एंटरटेन कर रही है, और मेरे को रिलैक्स फील करवा रही है। हर शाम को मैं बस GTO, मैं नहीं चाहता कि जल्दी खत्म हो जाए, बट मजा आ रहा है यार, बिंज वॉच कर रहा हूँ, मतलब बहुत मजा आ रहा है वो देख के। तो अगर आपने नहीं देखा है GTO यार, ट्राई करो, या फिर कोई रेट्रो एनिमे की रिकमेंडेशन हो आपके पास तो यार कमेंट करो, मैं तो रेट्रो में जाना चाहता हूँ, और भी बहुत ही अच्छा लगता है, पता नहीं यार। अब ऐसे विंटर टाइम्स में यार कंबल लेके अपने लैपी में एक रेट्रो एनिमे चला लो, साइड में कुछ स्नैक्स ले लो, हेवन डूड, समझ रहे हो, हेवन। नमो नाकी शिनोबी नो मोनो माच मुस्ने यो सोरे गाशी नी होरेरु दे नाई ज़ो गोमेन। मेरे चैनल पे कम्युनिटी टैब खुल गया है, पता नहीं कैसे, मे बी यूट्यूब ने कुछ सिस्टम में चेंजेस लाए, ऑब्वियसली चेंजेस तो कुछ हुए होंगे, बट मेरा कम्युनिटी टैब खुल गया है। तो मैंने वहां पे पोस्ट भी डाला था यार, यार थैंक यू, जिन्होंने नहीं देखा यार देख लेना, ऑसम है यूट्यूब यार, बहुत चेंजेस कर रहा है ये। चलो अच्छा था मेरा कम्युनिटी टैब मिल गया, बट ये लाइक डिसलाइक वाला हटाने का यार, डिसलाइक क्यों हटा दिया यार, अब तो मतलब समझ में भी नहीं आता कौन सा वीडियो जेन्युइन है। मतलब कोई भी ऐसा वीडियो मैं सर्च करता हूँ कि आई नीड टू फिक्स दिस एंड फिक्स दैट, कभी कभी उसमें कुछ फर्जी फर्जी होता है ना, तो वो लाइक डिसलाइक के रेशियो देख के समझ आता है हाँ आई कैन ट्रस्ट दिस वीडियो, तो अब वो समझ ही नहीं आएगा। हाँ पता है इसके एक साइड है जहाँ पे सब मतलब, बट फिर भी यार डिसलाइक वाला नहीं हटाना चाहिए था। इसका नाम गोगो है, आओ ना गोगो, ब्लॉग 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 है, ब्लॉग लाइक सब्सक्राइब मार। आपने अभी तक नोटिस नहीं किया होगा तो ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है यार, क्योंकि यार तुम लोग बहुत कमेंट भी कर रहे थे यार, बहुत जन कि यार आप हिंदी में बनाओ। मानता हूँ मेरा इंग्लिश एक मतलब अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं इंग्लिश में इसीलिए बनाता था, कुछ ऑडियंसेस है जो बाहर के देशों से देखती है एंड उनको केटर, क्योंकि मांगा कम्युनिटी वाइड, बहुत वाइड रेंज है उस हिसाब से। बट अब ये मैं ऐसे व्लॉग्स या फिर रैंडम जो भी है तो वो मैं हिंदी में ही बनाऊंगा। आपको क्या लगता है, हिंदी में बनाऊं कि इंग्लिश में बनाऊं, आप डिसाइड करो, यू डिसाइड, और बाकी आगे से देखा जाएगा क्या करते। बट ये हिंदी में था, मैक्सिमम जन आप लोग बोल ही रहे थे या प्लीज कमेंट करो हिंदी या इंग्लिश कौन सा प्रेफर करोगे आप नेक्स्ट वीडियो से, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं। आई नो हर बार ये बोलता हूं एंड बट या थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, प्लीज कमेंट करना, फीडबैक देना, बाय। मैं चला GTO देखूं, ठीक है, तुम लोग भी देखो, बाय।